नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से आपके सामने एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपने पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने स्केलेटन का मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्पॉनर हमको मिल चुका था। तो मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर ही आपको बता दिया था कि मैं ये स्पॉनर के मिलने के बाद हमको XP की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं इसका XP फार्म बनाने वाला था। तो चलिए गाइज, आज की वाली वीडियो ये XP फार्म की होने वाली है। तो चलिए गाइज, हम ये स्केलेटन की भरपूर कुटाई करने वाले हैं। तो कि एक जब भी केव के अंदर हमको मिलते हैं तो बहुत तीर इधर उधर घुसा देते हैं, तो आज इसकी कुटाई करने वाले हम लोग। तो इनको छोड़ेंगे नहीं और इनके लिए एक ट्रैप बनाते हैं। तो चलिए गाइस, XP फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो मैं थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ और ये बाद में देखिए गाइज, मैंने ये 3x3 का मतलब 9x9 का रूम बना दिया था आपको। ये स्पॉनर के चारों तरफ चार चार ब्लॉक का एक राउंड से मतलब स्क्वायर बना देना है और यहाँ से हमको 3 ब्लॉक नीचे की तरफ डिग करना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइज, इतना हो जाने के बाद कोई कोई लोग ऊपर ऊपर की तरफ मतलब स्पॉनर के ऊपर की तरफ 4 ब्लॉक का गैप रखते हैं, मैंने 3 ब्लॉक का रखा है। तो कोई बात नहीं, 3 ब्लॉक का रखेंगे फिर भी वो स्पॉन नहीं वाले हैं। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हो गया और हमको एक सेंटर देख के यहाँ पे हमको ये 1, 2, 3 ब्लॉक नीचे डिग करना है। तो ये 3 ब्लॉक हम नीचे डिग करने वाले। तो यहाँ 3 ब्लॉक नीचे डिग करने के बाद इसी के अंदर गड्ढे के अंदर हमको घुस जाना है और 2 ब्लॉक आगे की तरफ हमको डिग करना है। गाइस, 2 ब्लॉक आगे की तरफ डिग करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा रूम बनाना और यहाँ पे मेरे को लगानी है एक टॉर्च ताकि उजाला हो जाए। तो चलिए गाइस, हम ये पीछे की तरफ से हमको स्पॉनर थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो हमको यहाँ से एक छोटा सा रूम बना लिया है। तो मैं फटाफट से एक छोटा सा रूम बना लेता हूँ पहले तो, और देख पा रहे हो ये मेरा आने वाला रास्ता मेरे को मिल गया, तो मैंने इसी तरफ इसलिए बनाया था। तो चलिए गाइस, ये मैंने एक अपने लिए छोटा सा रूम बना लिया और मैं यहाँ पे इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को वाटर पीछे ऊपर की तरफ मेरे को वाटर की ज़रूरत है। तो मैं वाटर और मेरे को 2 ही बकेट की वाटर की ज़रूरत थी, फिर भी मैंने इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना दिया। और मेरे को बाद में पता चला कि मेरे को 2 ही वाटर बकेट की ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं गाइस, चलता है, मेरे को एक्स्ट्रा 2 वाटर बकेट मिल गई। तो एक ये कोने के अंदर और एक कोने के अंदर दोनों बकेट को हमको प्लेस कर देना और बाकी के जो ब्लॉक बचे हुए उसको हमको यहाँ से निकाल देना है। तो ये मैं ये ब्लॉक को फटाफट से इधर से निकाल देता हूँ। तो ये गाइस हम निकाल रहे हैं और ये देखिए बीच में यार गड्ढा हो गया है। देखिए मेरा ये स्पॉनर इसी जगह पे है ना गाइस, ये केव के अंदर स्पॉनर है तो मेरे को सब जगह पे खुला खुला मिलता है। तो सबको हमको पैक करना पड़ा, वो थोड़ी बहुत मेहनत हो गई है। तो देखिए गाइस, यहाँ नीचे की तरफ सब खुला हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको भी बंद कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इतना हो जाने के बाद हमको गाइस नीचे की तरफ जाके हमको क्या बोलते हैं कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है। तो मैं चलिए गाइस चलता हूँ नीचे की तरफ फटाफट। तो ये गाइस हम नीचे की तरफ आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इन्वेंटरी के अंदर और ये होपर और चेस्ट देख रहे हैं। तो मैं बीच में भी घर पे गया था क्योंकि मेरे पास चेस्ट और होपर नहीं थी और साइन बोर्ड भी मेरे को चाहिए था क्योंकि साइन बोर्ड भी की हमको ज़रूरत है। तो मैं साइन बोर्ड भी लेके आया था। तो एक बार मेरे को घर पर भी धक्का हो गया था इसलिए मैं घर पर भी गया था। तो यहाँ पर मेरे को ये 2 ब्लॉक डिग करना है और मेरे को यहाँ भी थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, तो मुझे यहाँ भी एक टॉर्च लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा उजाला हो जाए इसलिए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ भी एक ये डिक करता हूँ मैं और यहाँ हम लगा देते एक टॉर्च ताकि हमको थोड़ा सा उजाला हो। और यहाँ को हमको डबल चेस्ट लगानी है, तो ये लगा दिया हमने डबल चेस्ट। और मेरे को यहाँ होपर प्लेस करना है चेस्ट को कनेक्ट करते हुए। यहाँ पे गाइस मैंने बहुत कोशिश की ये होपर को यहाँ चेस से कनेक्ट करने की, पर यहाँ से ऊपर से हो ही नहीं रहा था। तो कोई इतना तो चलता रहता है गाइस, कोई बात नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद हमको निष्फलता ही मिली, तो कोई बात नहीं है गाइस। और ये मैंने सामने की तरफ डिक किया और मुझे पता चला कि मेरी इन्वेंट्री बहुत फुल हो चुकी है। तो मैंने मेरे पास एक्स्ट्रा जो चेस्ट 2 पड़ी हुई थी उसको यहाँ ड्राफ्टिंग टेबल के पास लगा के ये पूरा सामान अपना खाली कर देता हूँ।
मैंने अपना पूरा सामान खाली करने के बाद मैं सामने की तरफ नीचे चला गया और यहाँ पे ऐसे मैंने होपर को कर दिया प्लेस चेस को कनेक्ट करते हुए रास को। आपको पता ही है कि होपर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि स्केलेटन को हम मारेंगे तो उसका जो बोन और वो जो एरो मतलब कभी कभी क्या बोलते हैं, हाँ एरो और वो मारने वाला क्या तीर कमान, उसको ड्रॉप करेंगे तो हमको चेस्ट में आके मिल जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद हमको गाइज यहाँ पे एक लगा देना है स्लेब। तो ये स्लेब लगाने की क्या ज़रूरत है गाइज, क्योंकि वो स्केलेटन यहाँ से हमारी तरफ ना नहीं आ पाएंगे और इसको उसको हम आसानी से कूट पाएंगे और मार पाएंगे। गाइज यहाँ नीचे का काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो हम ऊपर का के हमको एक काम जो मैं साइन बोर्ड लाया था उसको मैं सामने की तरफ एक प्लेस कर देता हूँ ताकि पानी का बहाव नीचे की तरफ ना जाए और स्केलेटन बह के उसके साथ नीचे गिर जाए। तो हमको गाइज ये वाले लास्ट वाले एक एक ब्लॉक को डिक करना है। और यहाँ पे देखिए गाइज पानी का ग्लिच हो गया था तो पानी बह नहीं रहा था थोड़ी देर के पहले, तो मुझे भी लग गया था कि ये क्या हो गया। फिर बाद में ये बहने लगा तो ये गाइज यहाँ मेरे को बहुत ही मुश्किल हुई थी और ये बहुत ही मुश्किल से मैंने ये ब्लॉक को हटाया था। बहुत ही तकलीफ हो रही है पानी के साथ यहाँ इसको ब्लॉक को हटाने में। तो आप देख सकते हो कि स्केलेटन कोई भी बचने वाला नहीं और यहाँ से सीधा ही बहते हुए हमने जो ट्रैप बिछाया उसके अंदर आ जाएगा सीधा पानी से बह के। देखिए देखिए आप देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ से कितना बह के नीचे की तरफ जा रहा हूँ और मुझे यहाँ से नीचे नहीं गिरना था कि उधर की तरफ मुझे को फिर बाहर निकलने में तकलीफ हो जाएगी। या देखिए मैं फंस चुका था, मैं निकल ही नहीं पा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि स्केलेटन की क्या हालत होने वाली है। तो चलिए गाइस इतना हो जाने के बाद अब मेरे को ये सब बहुत मुश्किल काम करना है, ये सब टॉर्च को हटाना है। तो मैं फटाफट से ये टॉर्च सबको हटा देता हूँ। तो गाइस सारी मैंने टॉर्च हटा दी और लास्ट टॉर्च ये देखिए गाइस लास्ट टॉर्च हटा ये डायरेक्ट स्केलेटन स्पॉन होने लगे और हमारा काम हो गया है कंप्लीट। तो स्केलेटन स्पॉन होने लग गए और हमारा फार्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मेरा फार्म हो गया है कंप्लीट गाइस। और यहाँ पे हम ये ब्लॉक लगा के यहाँ बंद कर देते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि वो डायरेक्ट बह के ही सीधा आ गए थे और आप देख ही पा रहे हो कि वो डायरेक्ट बह के सीधा यहाँ नीचे गिर रहे हैं। तो हमारा फार्म पूरा कंप्लीट एकदम 100% वर्क कर रहा है और यहाँ पे हम स्केलेटन को कूटने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कि मैं अभी 23 XP है, मैं इसको कूटने वाला हूँ। ये हमारी हो गई है 24 XP। तो गाइस मैं थोड़ी देर इसको मतलब 2-4 मिनट मतलब 5 मिनट इन लोग को कूटूंगा, बाद में देखते हैं हमारी कितनी XP होती है। तो हमारा फार्म ये बहुत ही मस्त काम करने वाला है और ये XP फार्म है तो मतलब स्केलेटन फार्म है तो हमको बोन भी बहुत भर भर के मिलने वाली है, तो हमारा वो भी काम हो जाएगा। तो चलिए गाइज ये मैं इसको कूटता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर आपको मिलता हूँ। तो ये गाइज मैं आ चुका हूँ, देखिए आप नीचे देख ही पा रहे हो कि 29 मतलब 30 XP होने वाली है। तो देखिए गाइज आप ये हमारा फार्म हो चुका है कम्प्लीट। तो आज का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।